आज हम बनाएंगे बिना ब्रेड के रोल, वो भी ब्राउन राइस के साथ, और स्टफिंग में बिना आलू के बनाएंगे न्यूट्रीला के साथ। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे ब्राउन राइस 1 कप, इसको 2 कप पानी डालेंगे और थोड़ा सा सॉल्ट और हल्दी डालकर बॉईल कर देंगे। 1 विसल के बाद 5 से 7 मिनट फ्लेम पे रख देंगे और ये सॉफ्ट हो जाएंगे और आप देखेंगे हल्दी का रंग जो है ब्राउन राइस को येलो कर देगा। वाओ, सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब राइस को बाउल में डालेंगे 1 कप और 1 से 2 छोटे आलू बॉईल किए हुए, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर मीन्स 2 बड़े चम्मच और थोड़ा सा सॉल्ट डालकर अच्छे से मैश करेंगे और एक स्मूथ डो तैयार कर लेंगे और थोड़ा सा ऑयल भी डाल देंगे ताकि बिल्कुल स्मूथ हो जाए, चिपके नहीं। और अब तैयार करते हैं स्टफिंग। एक पैन को गरम करेंगे, ऑयल डालकर थोड़ा सा चॉप्ड अनियन, गार्लिक, ग्रीन चिली एंड चॉप्ड धनिया और साथ में लिया है न्यूट्रीला चंक्स जिसको मैंने भिगोकर रख दिया था, सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें डालेंगे ड्राई मसाले, सॉल्ट, रेड चिली, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर सॉटे करेंगे और ये रेडी है। और अब तैयार करते हैं ब्रेड के राइस रोल। बहुत ही यम्मी हेल्दी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें बिना ब्रेड के। बहुत ही यम्मी बना है, क्रिस्पी क्रिस्पी, और इसमें स्टफिंग डालकर हम इस तरह से रोल तैयार कर लेंगे। और आप ध्यान रखें इसको बनाने के लिए आप ग्लव्स ज़रूर पहन लें ताकि ये हाथों में ना चिपके। और इसी तरह से सारे रोल तैयार कर लेंगे। पहले फ्लैट करेंगे, सेंटर से थोड़ा सा मोटा रखें और साइड से थोड़ा पतला करके रोल को तैयार कर लें। इसको हम डीप फ्राई कर देंगे, ऑयल को गरम कर लें हाई फ्लेम पर। उसके बाद इसको मीडियम फ्लेम पर करें ताकि ये क्रिस्पी हो जाए और ये गर्मा गर्म सर्व करें। बहुत ही हेल्दी, हेल्दी तो नहीं कह सकते क्योंकि डीप फ्राई है, बट बहुत ही यम्मी रेसिपी बनकर तैयार हुई है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द रिट्स किचन। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।